हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज जो है मौनी अमावस्या है और हम लोग आज गंगा जी स्नान करने जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ब्लॉग बनाती हूँ। ये मैंने फर्स्ट टाइम ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग बताइएगा कैसा ब्लॉग बना है। और ये मैंने चाय रख दी है पकने के लिए और दूध। इस समय सुबह के 6:45 हैं और आज चूँकि बच्चों की छुट्टी है, मम्मी इस टाइम दूध लेने जाती हैं, तो मैं तब तक चाय चढ़ा देती हूँ ताकि आके पी लें। मम्मी दूध लेके आती हैं तो उसके बाद हम लोग चाय पीते हैं दोनों लोग, और फिर जो है हमारा रूटीन स्टार्ट होता है। मम्मी पूजा करने चली जाती हैं और मैं तब तक बच्चों के टिफ़िन बनाती हूँ। लेकिन आज लोकल छुट्टी है इसलिए उन लोग की छुट्टी है और हम लोग को गंगा जी स्नान करने जाना है जल्दी, तो मैं खाना की प्रिपरेशन अभी कर ले रही हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ इडली सांभर और चटनी। तो उसके लिए मैंने चटनी के लिए मैंने चने की दाल ली है और उसको धो के इस तरह से थोड़ा सा रोस्ट कर दिया है कढ़ाई में और पानी डाल के रख दिया है। सुबह सुबह मैं रोज़ बनाती हूँ जूस, चुकंदर, गाजर, लौकी, ये घर की लौकी है, 2-3 लौकी आराम से निकल जाती है, हम लोग के लिए छत पे लगा रखी है, और 2 टमाटर मैं डालती हूँ। अगर स्कूल है ईशान का तो भी मैं उसको जूस पिला के ज़रूर भेजती हूँ। तो रोज़ मॉर्निंग के रूटीन में ये भी शामिल है। बगल में जो बचा दूध है वो मैंने पकने रख दिया है। काम वाली जो है वो 8:15 के आसपास आती है, तब तक मैं काफ़ी काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि छोटी बेटी है 1.5 साल की, तो वो अभी सो रही होती है। बगल में जो बचा दूध था उसमें मैंने चाय रख दी है अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उन्होंने सुबह मॉर्निंग में चाय नहीं पी थी। अभी 7:30-8 के आसपास हो रहे हैं, तो कुछ काम निपटाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी काम वाली आ जाएगी फिर किचन का काम रुक जाता है। तब तक मैं जूस और टिफ़िन बना लेती हूँ नॉर्मल डेज़ में, बट आज छुट्टी है तो मैं खाना बना रही हूँ इसलिए। तो मैं इस तरह से चॉपर का यूज़ करती हूँ। तो जूस बनाने के लिए इस तरह से चॉपर का यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है, क्योंकि ठंडियाँ चल रही हैं तो ठंडा जूस नहीं पिया जाता, तो मैं हमेशा पका कर जूस पीती हूँ और देती हूँ सबको गर्मा गर्म। और मैंने गाजर चुकंदर चॉप कर लिए हैं, ये मैंने टमाटर डाल दिया, लौकी मैं कट करके डाल दूँगी स्मॉल पीसेस में, उसको मैं चॉप नहीं करती हूँ। इसमें पानी डालूँगी, नमक डालूँगी, नमक नॉर्मली इसके लिए मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने पानी डाल दिया है, इसको कुकर में सीटी लगा दूँगी नमक डाल के, बाद में ऊपर से काली मिर्च डाल के हम लोग जूस पीते हैं गर्मा गर्म। तब तक मैं साफ़ भी करते चलती हूँ ताकि गंदगी ना हो। आप देख सकते हैं मेरा किचन मॉर्निंग में मैसी हो रखा है काफ़ी, दूध की बोतल इकट्ठी हो जाती है। मैं 4-5 बोतल रखती हूँ और एक बार उबाल के रख देती हूँ, और कोई भी जो फीडिंग बोतल होती है उसको दोबारा यूज़ नहीं करती हूँ। एक बार दूध पिलाने के बाद उसको रख देती हूँ धोने के लिए, पानी से धो के। तो सुबह काफ़ी काम रहता है और बच्ची छोटी है तो उसको मैं सोती रहती है, तो मैक्सिमम काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। बीच में साफ़ करती चलती हूँ, नहीं तो अचानक से काफ़ी गंदा हो जाता है स्लैब। और मैंने इनको चाय पीने के लिए दे दी है, और जितने बर्तन जूठे थे उसको इकट्ठा करके काम वाले के लिए रख दूँगी। यहाँ पे मैं सिंक में बर्तन नहीं धुलाती हूँ, उसके लिए अलग स्पेस है, वहाँ पे वो बर्तन धोती है। तो जब तक जूस हो रहा है तब तक मैं बॉटल्स धो ले रही हूँ। तो बॉटल धोने के लिए मैं मीमी का सोप यूज़ करती हूँ, ये मेरी सिस्टर ने दिया था, ये देखिए। तो मैंने गर्म पानी डाला है बोतल धोने के लिए, और उसके बाद मैं सारी बोतल धो लूँगी और इसको बॉयल करने रख दूँगी। ये भी एक बड़ा काम होता है, दिन भर के लिए बोतल जो है 4-5 बोतल मैं उबाल के रख देती हूँ, तो इससे आसानी रहती है, बार बार बोतल उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टाइम टाइम पे बोतल को चेंज करते रहना चाहिए। तो बोतल मैंने एक साइड में रख दी है, अब मैं उसको बॉयल करने रखूँगी। तब तक मैं सिंक एरिया साफ़ कर लेती हूँ, तो 1-2 दिन में ही साफ़ कर पाती हूँ, क्योंकि इतना काम रहता है तो टाइम नहीं मिल पाता है।
तो जब टाइम मिलता है मैं साफ़ करती हूँ। हाँ, अगर आप कहें कि मैं रेगुलर दीवारें और ये सब साफ़ करती हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनका कोई टाइम नहीं फिक्स रहता है। और ये पोर्शन किचन का जो स्लैब है वो मैं काम वाले से साफ़ नहीं कराती हूँ, मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। इसके बाद मैं पानी की मोटर चला देती हूँ, तो ये भी एक बड़ा काम है। सुबह शाम पानी भर दो तो निश्चिंत रहते हैं कि हाँ, पानी की टंकी जो है, दो टंकी ऊपर लगी है तो दोनों फुल रहती है, तो टेंशन नहीं रहती है लाइट रहे ना रहे। और ये देखिए, ये मैं बाहर का पोर्शन दिखा रही हूँ। 8 बज रहे हैं अभी, काम वाली बस आने वाली होगी। और ये किरण आ गई है। जो कपड़े घर में जहाँ पे भी इकट्ठा रहते हैं धोने वाले, वो मैं इकट्ठा करते जाती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है और कपड़े गंदे करते ही रहते हैं, तो उनको मैं वॉशिंग मशीन में डालती रहती हूँ। और ये देखिए, ये एरिया है, यहाँ पे वो बर्तन धोती है। अब मैं अंदर आ गई हूँ क्योंकि वो बर्तन धो रही है, तो अभी किचन खाली है, तब तक मैं बॉटल बॉय करने रख दूँगी और एक साइड में दूध पकने रख दूँगी, ताकि ये दो काम यहाँ पर होता रहे, क्योंकि चूल्हे दो ही हैं मेरे पास। रात में मैं 15 से 20 बादाम भिगो देती हूँ और सुबह सबको कम से कम 5 से 6 बादाम सबको खाने के लिए देती हूँ। और बर्तन धोने के बाद किरण अपना झाड़ू पोछा करती है, साथ में देखते रहना पड़ता है। तो दूध मम्मी थोड़ा एक्स्ट्रा लाई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था, तो मैंने सारा दूध पकने के लिए चढ़ा दिया। तो बाद में मम्मी ने बताया कि उसमें से कुछ दूध, कच्चा दूध रखना था, जो कि गंगा जी को अर्पित करना था। हाँ, मिस्टेक हो गई। तो काम वाली जा चुकी है और ये जो है बॉटल बॉयल हो गई है। अब मैं बादाम छील रही हूँ। और ये देखिए, ये मेरा जूस भी तैयार है। इसको मैं छन्नी से छान दूंगी अच्छी तरह से। ये देखिए, ये मैंने एक स्ट्रेनर लिया है और बहुत ही हेल्दी जूस है। अब मैंने इडली रख दी थी पकने के लिए, और इसको फिर मैं कैसरोल में रख दूंगी तो गर्म रहेगी। बगल में ये दाल मैंने पकने रख दी थी। दाल जब अच्छी तरह से पक जाएगी, घुट जाएगी, तो उसमें मैंने लौकी डाल दी है। जैसा कि मैंने बताया, घर की लौकी है, छत पे लगी है, तो छोटी छोटी लौकियाँ अभी भी हो जा रही हैं। और अब तक 8:30 पौने 9 की रेंज हो गई है, तो अब बच्चों का दिन शुरू होता है। ज़बरदस्ती बादाम खिलाना पड़ता है। वैसे तो बादाम और दूध का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, लेकिन सुबह सुबह खाली पेट दूध नहीं पीना चाहिए, तो बादाम के साथ में जूस दे दे रही हूँ। ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, मुँह में डालना पड़ता है, इसको एकदम नहीं पसंद है। मैंने रख दिया है कैसरोल में, और मैंने दूसरा जो है बैच इसमें चढ़ा दिया है इडली का। और ये देखिए, मेरी हेल्प कर रहे हैं, इनका बाल थोड़ा सा ठीक कर दूं। और ये सीटी आ गई। और देखिए किचन कितना मैसी हो रखा है इस समय। ये मेरा जूस है, मैं उसी टाइम बस पीती रहती हूँ साथ में। और ये देखिए बादाम है। थोड़ा सा जूस मैं ईशा के लिए रख देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरी 1.5 साल की बेटी है, तो उसके लिए मैं रख देती हूँ। तो मम्मी को भी मैंने जूस और बादाम दे दिया है, और अभी वो पेपर पढ़ रही हैं। और ये बाहर का एरिया है, यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है और ठंडियों में धूप काफ़ी अच्छी लगती है। ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे हैं। और ये लौकी डालने के बाद मैंने 1-2 सीटी ही लगाई है, ताकि लौकी गले नहीं। और इसमें मैं सांभर मसाला डाल रही हूँ। ये सांभर मसाला भी मेरी मम्मी ने बनाया है, सासू माँ ने नहीं बोलती हूँ, मैं मम्मी ही बोलती हूँ। अभी सांड टेस्ट कर रहे हैं कि इडली कैसी बनी है। इनके पापा इसमें नमक डाल रहे हैं। नमक नहीं है, दही भल्ले मसाला है। तो कैसी है?
चूंकि साउथ इंडियन डिश है तो बिना नीम के पत्ती के कुछ भी नहीं बनने वाला है, तो हमारे गार्डन में ही बाहर नीम के दो पेड़ लगे हुए हैं, तो मीठी नीम की पत्ती ये लेने गए हैं मेरे हस्बैंड। ये देखिए, तो ये चटनी मैं चने की दाल से बनाती हूँ। चने की दाल मैंने रोस्ट करके उसको भिगा दिया था। इसमें मैं डालती हूँ नारियल, सूखा नारियल, चने की दाल और हरी मिर्च डाल के मैंने पीस दिया है। तो ये चटनी पिस गई है, तो ये बाकी काम चल रहा है। तो अभी किचन काफ़ी मैसी हो रखा है, फैल गया है। ये देखिए इस तरह से इडलियाँ बन रही हैं। बहुत से लोग गंगा जी बिना खाए स्नान करते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग थोड़ा लेट जाएंगे, बच्ची की वजह से उसकी थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक है, तो मॉर्निंग में स्नान करने नहीं गए थे नहाने, तो इसलिए हम लोग नाश्ता या खाना करके ही जाएंगे। ये आटा भी हमारे घर के चावल और दाल का है, उड़द की दाल का, पिसवा के रखा हुआ है। तो साथ में मैं साफ भी करते चलती हूँ ताकि वर्कलोड एक साथ ना बढ़े। तो अब मैं छौंकने जा रही हूँ दाल, तो दाल के लिए मैंने ये छौंका वाला पैन रख दिया है और ये मैं मिर्ची डालूँगी। थोड़ी सी दाल मैंने बिना छौंके जो है निकाल दी है बच्ची के लिए, तो उसको दाल या चावल मिक्स करके खिला दूँगी। तो इस दाल में चौके के लिए मैंने डाला है इसमें तेल, तेल गर्म हो गया तो मैंने डाली राई, राई के बाद मैंने डाली है लाल मिर्च, लाल मिर्च के बाद मैंने डाला था करी पत्ता और उसके बाद थोड़ा सा सांभर मसाला। तो ये चटनी भी मैंने छौंक दी है, इसमें मैंने मसाला नहीं डाला है, राई, करी पत्ता और लाल मिर्च सरसों के तेल में छौंका है। तो अब करीब करीब सारी इडलियाँ बन गई हैं, उसको मैंने कैसरोल में रख दिया था। अब मैं क्लीनिंग का काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब किचन छोड़ के जाएँ तो एकदम साफ़ सुथरा करके जाएँ तो वापस किचन में जाने का मन करता है और काम में भी मन लगता है। तो सबसे पहला काम, मैं सारे बर्तन जो भी जूठे हैं उनको मैं सिंक में डाल देती हूँ। हमने उसके बाद सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था, अब हम लोग जा रहे हैं गंगा जी का स्नान करने। लेकिन ये करते करते जो है 12 बजे, क्योंकि मैंने फिर बेटी को उठाया, उसको खिलाया कुछ किसी तरह, उसकी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है। हेलो, तुम कैसी? हेलो, ये आ गए हम लोग संगम क्षेत्र में, थोड़ा चलना पड़ा। और ये देखिए, ये कल्लववासी लोग हैं, छोटे छोटे टेंट लगा के रहते हैं और यहाँ पे एक अलग ही माहौल है, भजन कीर्तन हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, इस तरह से टेंट में रहते हैं लोग, इसमें घर की सारी गृहस्थी का सामान आ जाता है। और ये देखिए, किसी ने भंडारा रखा है तो लोग खा भी रहे हैं, साधु संत लोग हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। जब भी मौका मिले आप लोग ज़रूर आइए। आज मौनी अमावस्या के दिन दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है, जगह जगह से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस साइड में भीड़ कम है, आप उस साइड में जाएंगे झूसी साइड में तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। गंगा जी में स्नान करने के बाद दान किया जाता है, इसका बहुत ही महत्व है। तो इस तरह से यहाँ पे पंडा लोग होते हैं, उनसे संकल्प किया जाता है। तो ये पंडित जी संकल्प करा रहे हैं, उसके बाद हम लोग लेके आए थे खिचड़ी का सामान, कुछ पैसे यहाँ पे हमने बांटे। और इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है और उसके बाद मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, काफ़ी थक गए थे हम लोग। आपको पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों के बीच में। थैंक यू।